टेक्नो हेल्थ केयर 770 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो ब्लॉग 16,100 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो 209 सब्सक्राइबर, मिस्टर सुशील टेक्नो, राजेश सोशल 29,000 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो 2, किंग ऑफ कलानी 809 सब्सक्राइबर, लाखों की अर्निंग 3,590 सब्सक्राइबर, गुरु गेमर 13,900 सब्सक्राइबर, मूवीज अबाउट 0.24 4,820 सब्सक्राइबर, ए म्यूजिक 7,030 सब्सक्राइबर, हर्ष की दुनिया 28,100 सब्सक्राइबर। मतलब कि मैं कितना बोलूं, कितना देखोगे आप देखते देखते थक जाओगे, मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा। हर कैटेगरी YouTube का हर कैटेगरी को मतलब भी अपना चैनल बना लिया, म्यूजिक से लेकर के, गेमिंग से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, मेरे पास जितना भी था, मैं जितना कर सकता था सारा कैटेगरी का चैनल बना दिया। फिर हमने क्या किया, गेमिंग किया, मतलब मल्टीपल चैनल पर काम करने रहे थे। लास्ट में हमने देखा यार ब्लॉगिंग वीडियो वायरल हो रहा है तो क्यों नहीं मैं भी ब्लॉगिंग करूं, तो मैंने भी ब्लॉगिंग करने लगा। हमारे पास लगभग 80 चैनल था, तो कुछ चैनल हम अपने दोस्तों को दे दिए, जो लोग अपने कह रहे थे भैया मुझे चैनल चाहिए चाहिए मुझे। कुछ ऐसे दोस्त हमारे गाँव में जो हमारे हंसते थे, लेकिन जब हमारा चैनल ग्रो होने लगा तो मुझसे मिलने लगे और मुझसे चैनल बनवाने लगे। तो मैं क्या करता था कि हमारे पास मल्टीपल चैनल था, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे, तो मैनेज न करने के कारण मैं उन लोगों को अपना चैनल फ्री में दे दिया। इस चैनल से हमारा फर्स्ट इनकम हुआ था, अभी 2 महीना पहले आया था पेमेंट, 2,680 रुपया आया था। अच्छा, और सेकेंड पेमेंट अभी पिछले मंथ में आया, फिर 9,300। दोस्तों मेरे पास रोज काफी लोगों के मेल आते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं, और वहाँ पे काफी सारे ऐसे यूट्यूबर कहते हैं सर हमने एक चैनल बना लिया नहीं चला, दो चैनल बना लिया नहीं चला, तीन चैनल बना लिया नहीं चला, इतने दिन काम कर लिया हमारा तो कुछ यूट्यूब पे हो ही नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों आज जो शख्स हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनका नाम है सुशील मौर्य, और इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 80 चैनल्स YouTube पे बनाए हैं, जिसमें कि कई चैनल्स इन्होंने सेल कर दिए। अब दोस्तों आप ये बात सुन के हैरत में होंगे, इस चीज का लाइव प्रूफ भी मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मैं और लोगों की तरह हवा में बातें नहीं करता और कुछ भी फेक नहीं बताता हूं, जो बताता हूं जेन्युइन बताता हूं और 100% फैक्ट बताता हूं। तो यहां पे अभी आप ध्यान से देखिए, इनका जो है मैं क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर रहा हूं, ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया, और यहां पे इस पे मैं जो है यहां पे क्लिक कर देता हूं, और देख सकते हैं क्लिक करते ही ये जो स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता है, इसमें देखिए टेक्नो हेल्थ केयर 770 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो ब्लॉग 16,100 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो 209 सब्सक्राइबर, मिस्टर सुशील टेक्नो, राजेश सोशल 29,000 सब्सक्राइबर, सुशील टेक्नो 2, किंग ऑफ कलानी 809 सब्सक्राइबर, लाखों की अर्निंग 3,590 सब्सक्राइबर, गुरु गेमर 13,900 सब्सक्राइबर, मूवीज अबाउट 0.24 4,820 सब्सक्राइबर, ए म्यूजिक 7,030 सब्सक्राइबर, हर्ष की दुनिया 28,100 सब्सक्राइबर। मतलब कि मैं कितना बोलूं, कितना देखोगे आप देखते देखते थक जाओगे, मैं दिखाते दिखाते थक जाऊंगा। अब जब मैं इस बंदे से पहली बार मिला तो मैं भी हैरत में रह गया था कि यार कैसे इंसान है आपकी इतने सारे चैनल्स बना के मैनेज करते हैं, और इतने सारे में से कई चैनल्स को इन्होंने बेच के हटा दिया है, और कितनों से ये जो है पेमेंट लेते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है अगर आप एक यूट्यूबर हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो मामूली शख्स नहीं है, क्योंकि इतने चैनल बना के मैनेज करना और इतने इतने सब्सक्राइबर गेन करना कोई मामूली बात नहीं होती है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुशील जी हमारे नित्या के सपोर्ट यूट्यूब चैनल में, और सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे चैनल के व्यूअर्स के लिए, जो नए यूट्यूबर्स हैं उनके लिए आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है। जो लोग एक दो चैनल बनाने में थक जाते हैं, कहते हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि हम जो है सो अब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे, और आपने इतने सारे चैनल्स बना के और इतने सारे सब्सक्राइबर गेन किए हैं, इसका राज क्या है आज के इस वीडियो में बताइए हमारे व्यूअर्स को, और आप अपना एक छोटा सा परिचय भी दीजिए। सबसे पहले सबको नमस्कार, ठीक है, और सर आपका भी बहुत बहुत थैंक्स जो आप हमसे मिल पाए आज, और आज हम अपना स्टोरी सबको मैं बताने वाला हूँ। जी बताइए। और देखिए दोस्तों मैं भी आप लोग तरह एक नॉर्मल ही यूट्यूबर हूँ अभी भी, और पहले भी था, और हम देखिए हर कैटेगरी, मैं चाहता था कि कोई भी कैटेगरी हो यार वीडियो वायरल हो जाए, और हमने हर कैटेगरी YouTube का हर कैटेगरी को मतलब भी अपना चैनल बना लिया, म्यूजिक से लेकर के, गेमिंग से लेकर के, टेक्नोलॉजी से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, मेरे पास जितना भी था, मैं जितना कर सकता था सारा कैटेगरी का चैनल बना दिया। गेमिंग भी कुछ दिन किया, मतलब ये हाँ यही था कि हमारा सक्सेस न होने का स्टार्टिंग में राज यही था कि हम सक्सेस नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि मल्टीपल चैनल पर काम कर रहे थे, कभी गेमिंग कर रहे थे यार नहीं चलेगा छोड़ इसको, फिर हेल्थ पर करने लगा नहीं चलेगा, फिर
म्यूजिक करने लगे, मुझे लगा कि ये नहीं चल रहा है, रुको अब कुछ कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी का भी चैनल है, आप अभी देखे होंगे, ये नहीं चला। फिर हमने क्या किया, गेमिंग किया, मतलब मल्टीपल चैनल पर काम करने रहे थे। लास्ट में हमने देखा कि यार ब्लॉगिंग वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्यों नहीं मैं भी ब्लॉगिंग करूं। तो मैंने भी ब्लॉगिंग करने लगा। तो मुझे इस चीज़ समझ में आया कि यार ऐसे नहीं हो पाएगा। मल्टीपल चैनल बना बना के हम थक चुके थे, और हम फिर क्या किए कि हमारे पास लगभग 80 चैनल था, तो कुछ चैनल हम अपने दोस्तों को दे दिए, जो लोग अपने कह रहे थे भैया मुझे चैनल चाहिए चाहिए। मुझे कुछ ऐसे दोस्त हमारे गाँव में जो हमारे हंसते थे, लेकिन जब हमारा चैनल ग्रो होने लगा तो मुझसे मिलने लगे और मुझसे चैनल बनवाने लगे। तो मैं क्या करता था कि हमारे पास मल्टीपल चैनल था, हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो मैनेज न करने का मैं उन लोगों को अपना चैनल फ्री में दे दिया, और कुछ चैनलों को जो बाहर से लोग हमसे अप्रोच किए उन लोगों को सेल कर दिया। लगभग हम 8 से 10 चैनल सेल कर चुके। ये बहुत बड़ी बात है सुशील जी कि लोग यहाँ अपना चैनल एक बना नहीं पाते हैं, सब्सक्राइबर नहीं गेन कर पाते हैं, और आपने इतने सारे सब्सक्राइबर गेन करके इतने हजारों में, किसी पे 29,000, किसी पे 13,000, किसी पे 16,000, किसी पे 20,000, इतने सारे सब्सक्राइबर आपने गेन करने के बाद भी अपने यूट्यूब चैनल को दान कर दिया, दे दिया। ये आपका बहुत बड़ा दिल है और आप बहुत बड़ा काम किए हैं। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा सुशील जी कि एक चीज़ आपने बहुत अच्छी कही कि जैसे एक कहावत कही गई है कि हम 10 नाव पे अगर पैर रखते हैं तो हम कहीं पे भी नहीं पहुँच पाते हैं। वही चीज़ है कि आपने टैलेंट तो बहुत है, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी चैनल बना के इतना जल्दी जल्दी आपको सब्सक्राइबर गेन कर लेना कोई मामूली बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मेरे ऑडियंस को कि आपने इतनी जल्दी जल्दी ये सब किया कैसे। तो सबसे पहले आप एक चीज बताइए कि अभी जो है आप किस चैनल से जो है अर्निंग कर रहे हैं, और कौन सा आपका चैनल जो है सो अभी चल रहा है फिलहाल में। अभी हमारा चैनल चल रहा है सुशील टेक्नो ब्लॉग। अच्छा। और हमने सोचा कि यार कोई एक चैनल पर काम करेंगे ना तभी कुछ हो पाएगा। ये आपने बहुत अच्छी सोच उत्पन्न की जिससे कि आपका जो है चैनल बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इनका चैनल जो है सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। ऐसे तो इनके बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन अभी जो इन्होंने कहा सुशील टेक्नो ब्लॉग, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ओपन कर रखा है, 16,000 सब्सक्राइबर जो है इस चैनल पे है। इस चैनल की आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है यहाँ पे कब का ये चैनल बना हुआ है। सबसे पहले एक साल हो गया, 2021 अगस्त 10 को बना हुआ है, और 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज है, एक साल लगभग हो गया। तो दोस्तों अभी जो है सबसे बड़ी सुशील जी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने 10 चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे काम करते थे, तो इन्हें ये समझ में आ गया कि मैं इतने सारे चैनल को मैनेज भी नहीं कर पाऊंगा और मैं सक्सेस भी नहीं हो पाऊंगा। तो अभी फिलहाल इसी चैनल पे ये फोकस कर रहे हैं। बाकी इनके पास चैनल बहुत सारे सब्सक्राइबर वाले पड़े हुए हैं, लेकिन अभी ये फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा कि सर मैं एक चैनल पे काम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस पे मेरे अभी व्यूज नहीं जा रहे हैं, मेरे व्यूज पहले जा रहे थे। तो देखिए सुशील जी का क्या था कि जब जो चीज देखे, जैसे कि देखे कॉमेडी वायरल हो रहा है तो कॉमेडी का बना दिए, जब देखे कि एक्सपेरिमेंट वायरल हो रहा है तो एक्सपेरिमेंट बना दिए, जब देखे कि कोई चीज वायरल हो रहा है तो उस पर बना दिए। तो इस तरीके से इनके सब्सक्राइबर तो बहुत सारे चैनल पे बढ़ गए, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से एक चैनल से कमाना और 10 चैनल पे 1,000-1,000 सब्सक्राइबर कर देना, इसमें से दोनों में से अच्छा यही है कि आप एक ही चैनल पे काम करें। तो अभी ये चैनल पे काम कर रहे हैं, तो इस चैनल को भी मैंने चेक किया, इस चैनल में क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं, ये भी मैं अभी जो है सुशील जो को भी बताऊंगा और आप सभी को भी बताऊंगा। और इनके और चैनल्स के बारे में मैंने ये इसलिए बताया कि इससे आप लोग भी सीखें कि आप लोगों का मन जो भटकता है बार बार इधर उधर, जो आप लोग भटकते हैं वो चीज़ आप ना भटके इधर उधर आपका दिमाग जो है सो ना जाए। इससे क्या होगा कि आप एक जगह पे रहेंगे, एक जगह पे काम करेंगे जो आपके लिए हमेशा से अच्छा होगा। तो सबसे पहले अब इस चैनल को जो है हम बताते हैं कि क्या इस चैनल में इनके कमी है और क्या दिक्कत है, क्यों ये जो है सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने देखा कि इस चैनल पे जो है इनके इतने व्यूज हैं, अब हम इनके पॉपुलर वीडियोज में जाते हैं। पॉपुलर वीडियो में देखिए इन्होंने इंटरव्यू लिया है शिल्पी राज की याद में, देखिए क्या हो गया, विवेक पटेल इनका इन्होंने इंटरव्यू लिया है, 9 लाख व्यू गए हैं। उसके बाद यही मैडम खान सर को पढ़ाई है, खान सर को जो मैडम पढ़ाई है उनका इंटरव्यू लिया है, 4 लाख व्यू गया है। शिल्पी राज का गंदा वीडियो वायरल, शिल्पी राज में ये वीडियो बनाया है, इस पर भी 4 लाख गया है। शिल्पी राज का लोग लगा झटका, विवेक पटेल बदल गया, इस पर इन्होंने वीडियो बनाया, मतलब कि इनके इंटरव्यू वाले वीडियो ज़्यादातर वायरल हुए हैं और ज़्यादातर इन्होंने इंटरव्यू भी लिया है। अब इनके पॉपुलर वीडियो के आप रिसेंटली वीडियो की बात करें तो देख सकते हैं कि दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र स्ट्रगल जीवन, ठीक है, ये इन्होंने वीडियो बनाया है। उसके बाद माई फर्स्ट ब्लॉग बनाया है। तो मैंने इनका जब चैनल चेक किया तो मुझे जहां तक लगा, मेरी जो ओपिनियन थी, मैंने सुशील जी आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आपके चैनल पे इंटरव्यू के वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आप किसी के इंटरव्यू ले रहे हैं या किसी से कोई सवाल कर रहे हैं
तो वो जो है आपकी वीडियो ज्यादा चल रही है। यहाँ पे आपका कंटेंट चेंज हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं शिल्पी राज से कैसे मिले, सुशील टेक्नोब्लॉग, ये आपका कंटेंट अलग हो गया, माई फर्स्ट ब्लॉग ये कंटेंट आपका अलग हो गया, तो आपके अभी व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो इसका मुझे यही कारण लगता है कि आपका कंटेंट चेंज हो चुका है। आप इंटरव्यूज वाले, न्यूज वाले अगर कंटेंट लेके चलते हैं तो आपके चैनल पे ज्यादा चलेगा। जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पे आपने इंटरव्यू लिया है एक न्यूज टाइप से, तो ये आपका ज्यादा चल रहा है, ज्यादा इस पे जो है 6 महीने 8 महीने 4 महीने में ही अच्छे खासे व्यूज गए हैं, तो ये मुझे लग रहा है। बाकी आप तो खुद एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, जो आप चैनल बना बना के काफी सारे जो है सब्सक्राइबर गेन किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे आपको एक ही चैनल पे अच्छे से काम करना होगा, तभी आप प्रॉपर अर्निंग कर पाएंगे। फिलहाल आप बताइए कि इस चैनल से आपकी कितनी अर्निंग हुई है और कितने पेमेंट आपने ले लिए? इतने इस चैनल से हमारा फर्स्ट इनकम हुआ था, अभी 2 महीना पहले आया था पेमेंट, 22,680 रुपया आया था। अच्छा, और सेकेंड पेमेंट अभी पिछले मंथ में आया, फिर 9300। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस चैनल पे आपको किस तरीके का कंटेंट डालना है, और 100% वो कंटेंट आप डालेंगे तो आपका व्यूज जाएगा। और दोस्तों, मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ कि आप मल्टीपल चैनल्स पे काम तो कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, बना तो लेंगे लेकिन काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी एक ही दो चैनल पे अच्छे से काम कीजिए, प्रॉपर वे में कीजिए, तभी आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। और सुशील भाई एक आप लोगों के लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, ये इतना सब कुछ कम से कम तो इन्होंने किया है ना, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसलिए जो है सो अभी रेगुलर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हर कोई से हर चीज कुछ ना कुछ सीखनी चाहिए, और इसीलिए मैंने इनका जो है एक इंटरव्यू अपने चैनल पे लिया, ताकि इनसे आप लोग भी कुछ सीखे। दोस्तों, ये वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।